साइटेक स्कैटर से वैल्यूज़ कैसे राइट करनी है एक्सेल में और एक्सेल से वैल्यूज़ कैसे रीड करनी है ये देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग पहले एक्सेल एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं। एक्सेल का ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन करते हैं और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं वैल्यूज़ टू स्कैडा और वैल्यूज फ्रॉम स्कैडा, और ये जो कॉलम है बॉर्डर करते हैं, इसको हाईलाइट करते हैं। सिमिलरली इसको भी बॉर्डर कर लेते हैं, हाईलाइट करते हैं। यहाँ पर हमारी जो कॉलम है ये रो टू और कॉलम थर्ड है, तो यहाँ पर वैल्यूज़ हम चाहते हैं कि वैल्यूज़ टू स्कैडा, यहाँ से वैल्यूज़ स्कैडा पे मूव करेंगी और स्कैडा की जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर राइट होंगी इस जगह पर। ये है रो फोर और कॉलम थ्री। तो इस फाइल को हम लोग सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप में। इसको नेम दे देते हैं रीड राइट स्कैडा, कुछ भी नेम दे देते हैं रीड राइट स्कैडा, और इसको मिनिमाइज करते हैं और स्कैडा सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं हम लोग। साइटेक स्कैडा वर्जन 2018 पे हम लोग ये वर्क करेंगे। ओपन होने के बाद एक नए प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और इसका नाम दे देते हैं टेस्ट एक्सेल। ओके, प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है और इस टेस्ट एक्सेल प्रोजेक्ट को मेक एक्टिव कर देते हैं। अब ये प्रोजेक्ट एक्टिव हो गया हमारा, और इसके बाद इस प्रोजेक्ट में हम लोग इधर आते हैं। डिफ़ॉल्ट पे हमारे आईओ सर्वर्स बने हुए हैं, आईओ सर्वर, अलार्म सर्वर, ट्रेड सर्वर, रिपोर्ट सर्वर, और हम लोग वेरिएबल टैग क्रिएट करते हैं जो रीड करना होगा राइट करना होगा। तो यहाँ पर वेरिएबल्स पर आके टैग नेम देते हैं, एक टैग क्रिएट करते हैं एनालॉग, एनालॉग टैग वन नेम देते हैं क्लस्टर वन। आईओ डिवाइस में इंटरनल रखते हैं और डेटा टाइप हमारा इंटीजर करते हैं। सिमिलरली एक टैग और क्रिएट करते हैं राइट करने के लिए वैल्यूज़ को, एनालॉग टैग टू, और इसी प्रकार से इसको भी क्लस्टर वन, आईओ डिवाइस इंटरनल और डेटा टाइप इंटीजर करते हैं और इसको सेव करते हैं यहाँ पर। अब सेव करने के बाद हम लोग ग्राफिक्स बिल्डर पे आते हैं इधर और एक पेज क्रिएट करते हैं, न्यू पेज। मैं टॉप में ये सेलेक्ट कर लेता हूँ XGA, एक नॉर्मल पेज सेलेक्ट करते हैं। ये नॉर्मल पेज सेलेक्ट हो गया है और यहाँ पर राइट और रीड करने के लिए हम लोग बटन्स क्रिएट करते हैं। और राइट टू एक्सेल, ये बटन का नाम है राइट टू एक्सेल, और इसमें हम लोग राइट करना है तो इसमें हम लोगों को इनपुट पे कमांड यूज़ करना होगा। और राइट करने के लिए एक्सेल में एक साइकोड कमांड है DDE राइट, डी से होगा DDE राइट, ये फंक्शन है DDE राइट। और DDE राइट पे हम लोग देखिए एप्लीकेशन को हम लोग यहाँ डिलीट करके यहाँ पर एक्सेल लिखना होगा इन्वर्टेड कॉमा में EXEL इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। और डॉक्यूमेंट्स में आप इधर देखिए एक्सेल शीट पे, ये हमारा डॉक्यूमेंट शीट वन है, तो ये शीट वन यहाँ पर फिलअप करना होगा फंक्शन में। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में हम लोगों को शीट वन लिखना होगा और वो भी इन्वर्टेड कॉमा में SHEET1 इन्वर्टेड कॉमा क्लोज।
अब राइट करना है, कहाँ पर करना है राइट हम लोगों को, तो देखिए राइट करने के लिए यहाँ पर वैल्यूज फ्रॉम स्कैटर इधर राइट करना है। तो ये है हमारा 1 2 3 4 रो 4 और कॉलम C1 C2 C3। तो R4 C3 ये कॉलम है, ये सेल है R4 C3, और R4 C3 हमको यहाँ पर लिखना होगा, वो भी इन्वर्टेड कॉमा पे लिखना होगा, R4 C3 इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। अब वैल्यूज़ में हम लोग को राइट करने के लिए, तो सपोज़ कीजिए हम लोग यहाँ पर टैग ले लेते हैं अपना, तो हमारा टैग यहाँ पर बना था एनालॉग टैग 1 हम लोग यूज़ करते हैं राइट करने के लिए। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल V से। तो ये फंक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है, DDE write में एक्सेल शीट 1 रो 4 C3 और एनालॉग टैग 1 की वैल्यूज है, इसको हम लोग इन्वर्टेड कॉमा पे क्लोज नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे। तो ये इसको ओके कर देते हैं, इस फंक्शन को यहाँ लिख दिया है। अभी इसको वैल्यूज़ राइट करने के लिए हमें इनपुट भी करनी होगी वैल्यूज़ को, तो इनपुट के लिए हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं इनपुट, और इनपुट में यहाँ टच है या कीपैड कमांड्स है, तो यहाँ पर आना होगा और एंट्री करने के लिए हमें की सीक्वेंस देना होगा। मैं 4 डिजिट का लेता हूँ, तो #### और ENTER एंटर ऐसे लिखते हैं और इसको ऐड करते हैं। और यहाँ पर हम लोगों को आर टैग अनलॉक टैग 1 इज इक्वल टू ARG आर्गूमेंट 1 ऐसे लिखना होगा, सो दैट जहाँ पर जो भी एंट्री करेंगे वो हमारा इधर इसमें आ जाएगा। तो एक मिनट, इसको फिर से लिखना होगा, वो डिलीट हो गया है। अनलॉक टैग 1 इज इक्वल टू ARG1 आर्गूमेंट 1 और इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो जो भी हम लोग एंट्री करेंगे आर्गूमेंट के थ्रू अनलॉक टैग 1 पे वैल्यू स्टोर हो जाएगी, और ये वैल्यू यहाँ पर हम लोग फीडअप कर सकते हैं। और इसको अपीयरेंस के लिए थोड़ा सा इसको न्यूमेरिक अपीयरेंस में जनरल पे आ जाते हैं, और यहाँ देखिए इफेक्ट्स में एम्बोज्ड हुआ है, इसको हम लोग नन कर देते हैं और जनरल में फॉन्ट इसका थोड़ा बड़ा कर लेते हैं डिस्प्ले करने के लिए, ये ऐसा, और ओके करते हैं। और ये देखिए अभी ये प्रॉपर दिख रहा है, इनफैक्ट थोड़ा और जूम कर देते हैं। तो यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ हम लोग इसको राइट कर सकते हैं, इनपुट कमांड जो यूज़ किया है राइट करने के लिए किया हुआ है, और यही वैल्यूज़ हमारी जो है अपीयरेंस में अगर आप देखेंगे तो डिस्प्ले वैल्यू में भी हम चाहते हैं वो जो राइट करें वो वैल्यू डिस्प्ले भी हो, तो डिस्प्ले में भी हमें यहाँ पर एक वही टैग ले लेते हैं एनालॉग टैग 1, तो एनालॉग टैग 1 डिस्प्ले भी करेगा, और जब हम लोग इसको यहाँ पर क्लिक करके राइट करेंगे तो वैल्यूज़ एनालॉग टैग 1 में राइट भी होगी। तो अब हम इसको ओके कर लेते हैं। इसी प्रकार से हम लोग कॉपी करते हैं इसको और रीड करने का भी बनाते हैं। तो इसमें अपीयरेंस में आते हैं और यहाँ पर राइट टू एक्सेल की जगह पर रीड फ्रॉम एक्सेल लिखते हैं, रीड फ्रॉम एक्सेल। और इसमें अगर आप अंदर कमांड्स पे देखें इनपुट पे, तो हम लोगों को अब की बार रीड करना है, तो ये फंक्शन यहाँ पर नहीं रहेगा, इसको डिलीट करते हैं। रीड करने के लिए हम लोगों को फंक्शन यूज़ करना होगा DDE read डायनामिक डेटा एक्सचेंज रीड फंक्शन। तो DDE read फंक्शन को सर्च करते हैं, ये फंक्शन है DDE read, और यहाँ पर उसी प्रकार से हम लोगों को फिलअप करना होगा DDE read एक्सेल EXEL एप्लीकेशन में एक्सेल इन्वर्टेड कॉमा पे रहेगा, फिर डॉक्यूमेंट्स में शीट 1 रहेगा एक्सेल शीट 1, उसको भी इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा, और आइटम्स में हम लोगों का वो रहेगा कॉलम मोड डिफॉल्ट पे 1 रहता है, वो ज़रूरत नहीं है। तो एक्सेल पे आ जाते हैं, अब हम लोगों यहाँ पर वैल्यूज़ स्कैटर में मूव करनी है, यानी यहाँ रीड करना होगा यहाँ से। तो ये हमारा रो 2 और कॉलम 3 है, तो R2 C3, तो हमें इन्वर्टेड कॉमा में लिखना होगा R2
सी थ्री, रो टू कॉलम थ्री। तो रो टू कॉलम थ्री की वैल्यूज यहाँ पर रीड होएंगी, और मैं चाहता हूँ कि ये जो वैल्यूज रीड होंगी तो ये वैल्यूज एंड लॉग टू पे स्टोर हो, जो हम लोगों ने दूसरा टैग बनाया था यहाँ पर, और गौर कीजिएगा ये टैग बनाया था, इसमें इसकी वैल्यूज आ जाए रीड होके। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आके इसको हम पेस्ट करते हैं और इक्वल टू करते हैं, ऐसा करते हैं। तो एन लॉग टैग टू इज इक्वल टू डी डी रीड दिस मच। तो जो आर टू सी टू सी टू पे वैल्यू होगी इसके एक्सेल पे, वो एन लॉग टू टैग टू पे स्टोर हो जाएगा। इसको हम लोग ओके कर देते हैं। अब इसको डिस्प्ले करने के लिए हम लोगों को बनाना है, तो हम लोग फिर से इसको यहाँ पर एक वो डिस्प्ले के लिए न्यूमेरिक एक्सप्रेशन ले लेते हैं, और इसका जनरल पे आते हैं और इसकी वैल्यू फॉन्ट बड़ा करते हैं और इफेक्ट्स में एम्ब्रॉज की जगह पर नन कर देते हैं। देखते हैं लुक ठीक है, एक फॉन्ट और बड़ा करते हैं, अप्लाई करते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर हम एनलॉग टैग टू डिस्प्ले करना चाहते हैं, जो रीड होगी वैल्यू। तो इन गुड मूवमेंट स्केलिंग अपीयरेंस में डिस्प्ले वैल्यू पे ही आना होगा, अपीयरेंस में डिस्प्ले वैल्यू में, और यहाँ एनलॉग टैग टू लिखना होगा। तो हम लोग इसको एनलॉग टैग टू यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और ओके करते हैं। यहाँ एनलॉग टैग टू डिस्प्ले होगा और यहाँ एनलॉग टैग वन डिस्प्ले होगा, और यहाँ एनलॉग टैग वन को हम लोग इनपुट भी कर सकते हैं। तो इसको हम लोग सेव कर लेते हैं इस पेज को, और पेज का नाम दे देते हैं पेज वन। ओके, और यहाँ पर आके हम लोगों को कंप्यूटर सेटअप विज़ार्ड रन करना होता है फर्स्ट टाइम जब भी हम लोग एप्लीकेशन चलाते हैं। कंप्यूटर सेटअप विज़ार्ड हम लोग रन करते हैं, एक्सप्रेस सेटअप में नेक्स्ट करते हैं, लोकल इंजीनियरिंग नेक्स्ट, कॉन्फ़िगर लोकल सेटिंग नेक्स्ट। अब ये देखिए यहाँ पर हम लोग पेज सेलेक्ट कर सकते हैं वेरियस पेजेस में। तो हम लोगों ने अभी पेज वन क्रिएट किया हुआ है ये वाला, तो ये पेज सेलेक्ट कर दिया नेक्स्ट। तो सब नेक्स्ट करके अभी हम लोग इसको रन कर सकते हैं कंपाइल करके। ओके, कोई भी एरर नहीं है, अब हम प्रोजेक्ट को रन करते हैं। अब ये देखिए प्रोजेक्ट रन हो गया है, और साथ में मैं एक्सेल फाइल भी खोल लेता हूँ। ये एक्सेल फाइल है हमारी, इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके और यहाँ पर करते हैं थोड़ा सा, और ये एक्सेल, ये हमारा प्रोजेक्ट रन कर रहा है, और यहाँ पर हम लोग आप देख सकते हैं एक्सेल को डेटा है। इसको डेटा को थोड़ा सा विजिबिलिटी दिए। अब देखिए राइट टू एक्सेल अगर हम क्लिक करते हैं तो वैल्यूज फ्रॉम स्कैडा 333 स्टोर हो गया है, और इसी में अगर हम लोग इसको क्लिक करते हैं और इसमें एंटर करते हैं, तो ये वैल्यूज हमने यहाँ पर कर दिया 2356, और राइट टू एक्सेल क्लिक करेंगे तो 2356 राइट हो रही है। तो ये वैल्यूज राइट हो जाती है जो भी यहाँ पर होता है, और देखिए 432 और राइट। अब हम लोग रीड करते हैं, तो रीड करने के लिए देखिए यहाँ पर अभी हम लोग लिखते हैं 235 और फिर रीड करते हैं, तो 235 ये वैल्यूज़ रीड हो रही हैं। तो वैल्यूज़ टू स्कैडा यहाँ पर सपोज़ कीजिए हम लोग ने 5411 वैल्यूज़ एंटर किए हैं, और यहाँ पर रीड फ्रॉम एक्सेल क्लिक करेंगे तो वैल्यूज़ ये एक्सेल से ले रहा है 5411, और राइट वैल्यूज़ में यहाँ पर 6532 एंटर किया और राइट किया,
तो ये वैल्यूज़ स्कैडा के इधर एक्सेल पे आ रही हैं। तो होप हम लोगों ने सीख लिया है एक्सेल में कैसे वैल्यूज़ राइट करनी है और वैल्यूज़ कैसे रीड करनी है। थैंक यू।